अगर आप लोग भी इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पे, आप लोग को इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सिखाता हूँ। पहले अपना काइंड मास्टर ओपन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये वाला काइंड मास्टर नहीं है लेटेस्ट वर्जन वाला, तो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हम सिंपली ऊपर इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के हम लोग सिंपली डाउनलोड में चले जाएंगे, ठीक है। मैं ये प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से आसान से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, जुदाई वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। तो ओपन होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो एडिटिंग हो चुका है। बस आप लोग अगर चाहिए तो अपना फोटो रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, फोटो रिप्लेस करने के लिए देख लीजिए क्या काम करना है। बस देख लीजिए वीडियो है, वीडियो छोड़ के सिर्फ फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिप्लेस वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग जहाँ भी इमेज होगा गैलरी में, वहाँ से एक इमेज इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। फिर से अगला में जाएंगे, ठीक है। इस हम लोग चाहे अगर इससे किसी को भी रिप्लेस करना चाहते हैं, बस फोटो पे क्लिक करें, रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो लगाएंगे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सारे इमेज रिप्लेस कर सकते हैं। तो देख लीजिए मैं इस तरह से रिप्लेस करके दिखा दे, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, बस इमेज रिप्लेस कर लीजिए, आप लोग यह स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे सेव करता हूँ। सेव करने के ऊपर जो शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से रख लूँगा 720p, यहाँ से 30fps मैं यहाँ से सेव करूँगा तो मेरा वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।